Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Aap tamam bachon ka aur badon ka bhi istiqbal hai hamare program Colors of Islam. Hum aaj phir jama hue hain aage badhne ke liye deen ka ilm hasil karne khaas taur se bachon ke point of view se. Sabse pehla section jo hum aaj le rahe hain wo hai ibadat. और आप देख रहे हैं कि मेरे पास है कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टिकर्स और इसमें बड़े बड़े ये बाइक और ये छोटी छोटी बाइक्स और ये बड़े बड़े स्टार्स और ये छोटे छोटे स्टार्स और कार्स और बहुत कुछ. ये सब स्टिकर्स भी हैं और आप लोगों के सामने एक पैड है. आपके पैड पर ये स्टिकर आएगा, चाहे बड़ा चाहे छोटा, अगर आप सही जवाब देंगे. ये एक एनकरेजमेंट है ताकि आप अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ बढ़ कर रेस लो और हमेशा अच्छी चीज़ों में आगे आगे रहो जिंदगी भर इंशाल्लाह. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. इबादत में आज हम एक बहुत 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 अहम इबादत के बारे में देखने वाले हैं. कौन गेस कर सकता है? अल्लाह की इबादत. अल्लाह की इबादत में इबादत तो बहुत सारी टाइप की होती है, एक खास इबादत के बारे में देखना. नमाज. अरे वाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब. और आज हम लोग देखने वाले हैं नमाज के बारे में. हम एक हदीस देखने वाले हैं और ये हदीस तबरानी में, हदीस की सनद सही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दी गई है. और इस तरह की बातें कई हदीसों में आती है. अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कयामत का दिन होगा ना. अब बताया आपको कयामत के दिन हिसाब होगा, चेकिंग होगी. हाँ, तो चेकिंग में जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, ज़ुबान है, हज है, जो कई सारी इबादतों का कई सारे जो चीज़ें हैं. हाँ, तो उसमें सबसे पहले किस चीज़ की चेकिंग होने वाली है इबादत में? नमाज की. तो वही बात दी गई है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह. सबसे पहली चीज़ जिसका हिसाब होगा क़यामत के दिन वो है नमाज. सबसे पहली चीज जिसका हिसाब होगा नमाज है. नमाज. सलुहत. अगर नमाज अच्छी निकली सलुहलहु सायरु अमलही, सारे के सारे अमल अच्छे निकलेंगे. अगर नमाज अच्छी निकली तो सारे के सारे अमल अच्छे निकलेंगे. वइन फसदत. अगर नमाज खराब निकलेगी फसदत सायरु अमलही, सारे के सारे अमल खराब निकलेंगे. खराब निकलेगा. अगर नमाज अच्छी निकलेगी तो सारे के सारे अमाल अच्छे निकलेंगे. और अगर नमाज खराब निकलेगी तो सारे के सारे अमाल गलत. अब एक सवाल जिसके लिए बड़ा स्टार मिलने वाला है. ओके, सवाल ये है, नमाज अच्छी निकलेगी तो सारे अमाल अच्छे निकलेंगे, नमाज खराब निकलेगी सारे अमाल खराब निकलेंगे. खराब. सवाल ये है कि नमाज अगर अच्छी है तो सारे अमाल कैसे अच्छे निकलेंगे? एक है ए और एक है बी. ए की नमाज अच्छी है, बी की नमाज अच्छी नहीं है, तो ए के बाकी क्या अमाल? बाकी क्या अमाल यानी कुरान पढ़ा उसने, कुरान पढ़ा, रोजा रखा, सदका किया, मामलात में कैसे था, हज किया, कैसा था हज में, कैसा था उमरा, सब जो चीज बाकी अमाल जो है ना, माँ बाप के साथ कैसा था, दोस्तों के साथ कैसा था, पड़ोसी के साथ कैसा था, रिश्तेदार के साथ कैसा था, सारे अमाल कैसे निकलेंगे उसके? नमाज अच्छी है अच्छे निकलेंगे. अच्छे निकलेंगे. अगर नमाज खराब निकलती है तो सारे के सारे अमाल खराब निकलेंगे. तो मेरा सवाल ये है कि ए के सारे के सारे अमाल अच्छे निकल रहे हैं, बी की नमाज खराब है, सारे अमाल खराब निकल रहे हैं, ऐसे कैसे? क्योंकि ए अच्छा है और बी बुरा है. ए अच्छा है बी बुरा है, ये चीज के लिए स्टार आपको मिलेगा, लेकिन बड़े स्टार तक पहुंचने में अभी टाइम लगेगा. क्योंकि ए अच्छी नमाज पढ़ता है और बी अच्छी नमाज पढ़ने से बाकी अमाल अच्छे कैसे हो गए? हम लोग नमाज पढ़े तो नमाज पढ़े को जन्नत में जाने को तो और भी वो अच्छा अमल करेगा. करीब करीब आ रहे हो माशाल्लाह, बिल्कुल सही कोशिश कर रहे हैं आप लोग, करीब आ रहे हो माशाल्लाह, वेरी गुड. और बताओ. हाँ, जैसे कि कैसे अच्छे निकलेंगे? निकलेंगे. अच्छा बताओ ये कौन से कलर का है? ब्लू. और ये कौन से कलर का है? ग्रीन. ये अगर आंखें बंद करके खोल के देखेंगे, आंखें बंद करो, एक मिनट रुको मैं बोलूंगा तब खोलना. हाँ, तुम लोग भी बंद करो. हम लोग भी. हाँ, बंद करो बंद करो बंद करो, अभी खोलो. कौन से कलर का है? ब्लू. ये ब्लू निकला. हाँ. ये ब्लू है. हाँ. ये ग्रीन निकला. तो ये ग्रीन है. अब कितना भी मैं इंटरचेंज कर लूं, जो ब्लू है ब्लू ही निकलेगा, जो ग्रीन है ग्रीन निकलेगा. जो अमाल अच्छे हैं वो अच्छे निकलेंगे
और जो बुरे वो बुरे नहीं। मतलब 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 कि इनकी नमाज अच्छी है ना, सुन रहे आप, नमाज अच्छी है ना तो सारे अमाल अच्छे निकलेंगे क्योंकि अच्छे होंगे, और जिनकी नमाज बुरी है उसके सारे अमाल बुरे निकलेंगे क्योंकि बुरे होंगे। अब मेरा सवाल ये बिग स्टार वाला कि नमाज अच्छी होने की वजह से बाकी अमाल अच्छे कैसे हो गए? क्योंकि हम लोग अच्छे हैं, जन्नत में जाएंगे तो हम लोग को और सवाब का काम करना पड़ेगा। तो ना मैं बताऊं? नहीं नहीं, बताओ क्या बता रहे हो। एक मिस्टर ए है जो नमाज बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनके बाकी अमाल कैसे अच्छे हो गए नमाज की वजह से? क्योंकि क्योंकि वो दुआएं बहुत, क्योंकि नमाज में दुआएं पढ़ते हैं, वो सब करते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। नमाज में दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह हिदायत देता है। हाँ, नमाज में अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला हमें हिदायत देता है। नमाज अच्छी हो जाती है तो बाकी अमाल भी अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नमाज में आखिरत की याद होती है। आपने भी सही बताया, नमाज पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला की याद आती है। दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? फाइव टाइम्स। तो अच्छे से अल्लाह की याद आ जाती है ना दिल में, अच्छे से आ जाती है ना कि नहीं? हाँ, अल्लाह की याद जब होगी तो एक इंसान कैसे काम करेगा? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अच्छे काम करेगा, बुरे काम करेगा? अच्छे काम करेगा। जब अल्लाह को भूल जाएगा तो कैसे काम करेगा? बुरे काम करेगा। तो इसकी नमाज बुरी है तो उसके बाकी काम भी बुरे होंगे। खाना खा रहा है, हवा किसकी दी हुई है? अल्लाह की दी हुई हवा, अल्लाह का दिया हुआ खाना, अल्लाह की दी हुई जमीन, अल्लाह की दी हुई बॉडी, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है। अच्छा है, गलत है? गलत है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अल्लाह के अच्छे बंदे बनना चाहिए। आप लोगों को अपने अमाल अच्छे चाहिए या बुरे चाहिए? अच्छे। अच्छे चाहिए तो स्मार्ट पर्सन क्या करेगा, कौन सी चीज अच्छी कर लेगा? अगर नमाज अच्छी होगी तो बाकी अमाल अच्छे होंगे, और अगर नमाज बुरी होगी तो बाकी काम गंदे होंगे, बुरे निकलेंगे। कोई चीज होती है ना जो मेन चाबी होती है, चाबी चाबी मिल गई तो दरवाजे से एंट्री होके पूरे घर में जाके घूम सकते हैं। और अगर चाबी खराब है तो नहीं घुस सकते, तो जाएंगे ही नहीं अंदर, तो वो मिलेगा नहीं घर के अंदर। क्या है चाबी? चाबी चाबी, ये चाबी है जन्नत तक ले आने वाली, हमारे लिए जरिया है हमारे लिए। यस, इंशाल्लाह याद रखेंगे। इंशाल्लाह नमाज पढ़ना तो बहुत अहम काम है, ये तो बात आप लोग सब मान रहे हैं। सवाल ये उठता है, बड़ों के लिए कि बच्चों के लिए? दोनों के लिए। उसमें कैसा है, एक छोटा बेबी बॉर्न होता है उसको भी नमाज पढ़नी है? नहीं। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, क्रॉलिंग करने लगा, नमाज पढ़ो नमाज। और पता है आपको, छोटे छोटे बेबी होते हैं ना, वो लोग बड़ों को जब नमाज पढ़ते देखते हैं ना, वो भी कॉपी करते हैं। और कैसे सजदा करने नहीं आता है तो पूरा सो जाएंगे, लेकिन सजदा करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। जब छोटे होते हैं तो आप लोगों का भी शायद ऐसा हुआ होगा। हम ये देखते हैं कि बच्चों को कब नमाज पढ़ना उनके लिए कंपल्सरी हो जाता है, बच्चों के मामले में। बच्चों के मामले में पता है आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद में सही सनद से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबईन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब 7 साल के हो जाए, 7 years, वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरीन, अगर 10 साल के हो जाए और फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको गुनाह मिलेगा, थोड़ा उनको पनिश करो, उनको पनिश करो। हाँ, अब हम ये देखते हैं कि 7 years के हो जाए तो क्या करना है, तो कमांड दो, नमाज पढ़ो बेटा, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, माँ बाप बोलेंगे। तो अब आपकी एज क्या है? 7। 7? Hmm. 7 हो अभी तो नमाज पढ़ो, ये मुरु औलादकुम बिस्सलाह नमाज पढ़ने का हुक्म दो, उससे पहले क्या है, पढ़ो बेटा अच्छे से, पढ़ना पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़े, इतना फोर्स नहीं। लेकिन 7 years हो जाएंगे, मुरु औलादकुम बिस्सलाह अब कमांड है, पढ़ो बेटा नमाज पढ़ो, कमांड। आपकी एज क्या है? 8। 1 year अप हो गया। आपकी एज? 8। आपकी एज? 7। आप 7 पे हो। हाँ, तो 7 years के होते हैं तो कमांड दो, कमांड दिए, पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। 10 years के हो गए, उसके बाद थोड़ा पनिश करना होता है ताकि बच्चा सीख ले। और पता है आपको क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि बच्चा अगर अभी से हैबिट हो जाएगी ना उसकी, तो बड़ा होने के बाद उसको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, एक अच्छी हैबिट बन जाती है ना, तो क्या होता है, हमारे साथ हमारी हैबिट जाती है, हैबिट। आप छोटे हो तो फ्लेक्सिबल हो, याद है ना? कौन सी मिसाल याद है? कौन सी मिसाल? प्लांट वाली। प्लांट बड़ा हो के क्या बना? ट्री।
प्लांट तो आपको छोटा मिला, नहीं तो बड़ा मिला होता अगर ट्री तक पहुंच जाता तो आप प्लांट बन जाते। अगर अगर छोटा अगर छोटा रहता है सेक्सी बन जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अभी आप फ्लेक्सिबल प्लांट हो आप लोग सब, फ्लेक्सिबल प्लांट। फ्लेक्सिबल प्लांट जो है ना वो अगर ध्यान देगा और अच्छे से अच्छे अच्छी चीजें सीखेंगे तो सीधा अच्छा सीधा रहेगा। अगर बुरी चीजें बुरे बन गए तो फिर क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। फिर टेढ़े हो गए तो बड़े होने के बाद सीधा करो, ट्री को सीधा करो, सीधा करो, सीधा होने नहीं। इंसान फिर भी सीधे हो जाते हैं लेकिन बहुत एफर्ट लगती है, बहुत कोशिश होती है, लेकिन अभी से अच्छी चीजें सीखेंगे और थोड़े बहुत हैबिट हो जाएगी। हैबिट होगी, हैबिट क्या होगी मालूम है, इंसान आदत का गुलाम है बोलते हैं। अच्छी आदत हो तो अच्छी आदत लग जाती है और बुरी आदत हो तो बुरी आदत लग जाती है। आप लोग एक अच्छी आदत बनाओ कौन सी, नमाज की, और नमाज में अल्लाह ताला के सामने जब खड़े रहो तो बहुत अच्छे से नमाज पढ़ो, जो हम लोग इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे सेक्शन ऑन आदाब, एटिकेट्स। एटिकेट्स के अंदर हम अभी देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, कपड़े पहनना। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि सामने एक टी-शर्ट रखा है, सामने एक शर्ट पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी हम देखने वाले हैं कपड़े पहनने के आदाब। और कपड़े पहनने के आदाब में हम देखते हैं एटिकेट्स के अंदर, इस्लाम ने हमें सिखाया है कि कपड़े पहनने में कुछ चीजें होती हैं जो ख्याल रखना होता है। सबसे पहली चीज कि मर्दों को, मर्द हो ना, गर्ल गर्ल मर्द हो ना, यस मर्दों को और गर्ल्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो मर्दों को रेशम, रेशम मतलब रेशम मतलब कपड़े की चीज, रेशम रेशम जो कपड़े के भाग सिल्क की सिल्क, सिल्क देख रहे हो, हाँ सिल्क के कपड़े पहनना अलाउड नहीं, किसको, बॉयज को, बॉयज को सिल्क भी अलाउड नहीं है, गोल्ड भी अलाउड नहीं। हदीस सही बुखारी की है कि अल्लाह ताला ने ये दो चीजें औरतों को अलाउ किया है, गर्ल्स को अलाउ किया है और मर्दों को नहीं अलाउड है। गोल्ड अलाउड है तो गोल्ड के कपड़े पहन सकते हैं, गोल्ड की बैंगल्स गर्ल्स के कुछ पहन सकते हैं नहीं, हाँ मर्द रेशम के कपड़े सिल्क के कपड़े पहन सकते हैं नहीं, नहीं। हाँ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि मर्दों के लिबास में खड़े हो जाओ, इसके ऊपर चढ़ जाओ, इधर ऊपर चढ़ जाओ, ये जो पैंट है ना ये ऐसे टर्न जाओ, घूम जाओ नहीं हंसना अलाउड नहीं है, देखो वो हेल्प कर रहे हैं ना, हाँ आपको भी चढ़ाओ। मर्दों को पैंट चकने से ऊपर पहनना चाहिए। चकना किसे बोलते हैं, ककना, एंकल, एंकल बोन जो है, दिख रहा है बोन, दिख रहा है ये बोन से ऊपर पहनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा असफल मिन अलइजार इबन अलकाबन फहुवा फिनार, जो इजार पैंट का हिस्सा टकने के नीचे लटकता है आग में होता है, वो आग में, आग में फायर में। देखो आज है ना फैशन जो थी ना फैशन, फैशन आ जाती है कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट, कभी शॉर्ट कभी लॉन्ग, आती जाती रहती है। हम लोग ये रोज रोज वाली फैशन नहीं फॉलो करते हैं, हम लोग कौन सी फैशन फॉलो करते हैं, इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैशन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैशन, 1400 साल हो गए कभी चेंज नहीं हुई ना होने वाली है। हा? तो पैंट कहाँ पे होनी चाहिए, टकने के ऊपर, ऊपर किसके लिए, अल्लाह के लिए, किसके लिए, आग से बचने के लिए, बॉयज, बॉयज और मेन के लिए, हाँ मर्दों के लिए पैंट टकने के ऊपर, ऊपर, ओके वेरी गुड, नीचे आ जाओ, जज़ाकअल्लाह खैर, इसी बात पर तुम्हें मिलने वाला है ये बिग वाला स्टार, बैठ जाओ नीचे आ, नीचे मिलने वाला है बिग स्टार, बहुत वेरी गुड बॉय, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी तीसरी चीज गर्ल्स और बॉयज दोनों के बारे में कौन बता सकता है, बिग स्टार, दोनों का ड्रेस सेम नहीं होना चाहिए, मतलब लड़का पैंट पहनेगा तो लड़की नहीं पहनना चाहिए। थोड़ा और एक्सपांड करो, जो लड़के कपड़े पहनते हैं वो लड़की लोग नहीं पहनना चाहिए, जो लड़कों के कपड़े हैं वो लड़कियां नहीं पहनेगी, जो लड़कियों के कपड़े हैं वो लड़कियां नहीं, आप ऐसे लड़कियों के कपड़े पहन के बैठ सकते हो नहीं, लड़कियां लड़कों के कपड़े नहीं पहनेगी, लड़के लड़कियों के कपड़े नहीं पहनेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लड़कों पर लानत की जो औरतों के कपड़े पहनते हैं और ऐसी औरतों पर लानत की जो मर्दों के कपड़े पहनते हैं। ओके अब बताओ कि मर्दों के लिए जो सतर है, सतर सतर जो कवर करना कंपलसरी है वो कहां से कहां है, टकने के आपको मालूम है, ओके 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 सब रॉन्ग आंसर, खड़े हो जाओ ऐसे ही, खड़े हो जाओ, रुको ये कुर्सी हटा दो, खड़े हो जाओ, हाँ वेरी गुड। देखो ये जो है ना नेवल नाफ
नाफ से लेकर घुटने तक, ये है मिनिमम सतह, नाफ से लेकर घुटने तक, मतलब नाफ से लेकर घुटने तक यानी नेवल टू नी, नेवल से नीचे, नेवल इंक्लूडेड नहीं है नाफ, और घुटने से जस्ट ऊपर तक, घुटना भी इंक्लूडेड नहीं, इतना कवर करना कंपल्सरी है, कंपल्सरी। ये जो कपड़े हैं ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट है नहीं है ना, वेरी गुड। कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, बॉडी पे स्टिक हो रहे जैसे पेंट किया हुआ है वैसे नहीं होनी चाहिए, हाँ कपड़े ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, कपड़े स्टिक किए हुए वैसे नहीं होने चाहिए, और कपड़े जो है वो ऐसे होने चाहिए जो बॉडी को कवर करे, हाँ बॉडी को कवर करे, कहां से लेकर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा नहीं है, नाप से लेके घुटने तक कम से कम है, कम से कम क्या है बताओ, नाप से लेके घुटने तक, घुटने तक। बैठ जाओ कुर्सी लेके बैठ जाओ, यस थैंक यू चंद्रा, आपको मिलेगा एक मीडियम साइज का, हाँ बिल्कुल सही। तो हम क्या देख रहे हैं, नाप से लेकर घुटने तक ये है मर्दों का सतर। अब गर्ल्स की बात, औरतों का सतर है फुल बॉडी, अल-मरअतु औरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों को कवर करना चाहिए, वो औरतें कवर करने के लिए ही है, तो उनकी है फुल बॉडी, और जब एज आपकी बढ़ेगी तब आपके लिए लाजिम हो जाता है कि घर से बाहर जाओ तो बुर्का पहन के जाओ, वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह, घर के बाहर जाओ तो अल्लाह ताला ने लाजिम किया है, कंपल्सरी किया है कि गर्ल्स बड़ी एज पे पहुंचती है, बुलूगत एज ऑफ मैच्योरिटी पे पहुंचती है, तो वैसे वो घर से बाहर जब जाएंगी तो क्या कहेंगी, अब हिजाब पहनेगी, बुर्का पहनेगी, तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अहज़ाब में ये बात बताई है। अब हम देखने वाले हैं कि लिबास पहनने में क्या आदाब है, और आप दोनों में से कौन इसे वॉलंटियर करेगा, वेरी गुड आपने हाथ पहले उठाया, खड़े हो जाओ यहीं पे ऊपर सबसे पहले, ओके अब पहनो बताओ कि कैसे पहनते हैं, ये शर्ट है नो कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड माशाल्लाह, रुक जाओ दो अच्छी चीजें इन्होंने की आप लोग बताओ क्या, दो बिस्मिल्लाह कहा, आप लोग लेट हो गए, इन्होंने पहले कह दिया क्या करूं, ये तो गर्ल्स के लिए क्वेश्चन था लेकिन फिर भी जवाब दिया तो तुम्हें मिलेगा, हाँ बिस्मिल्लाह कहा एक अच्छी चीज, दूसरी क्या अच्छी चीज की इन्होंने, इन्होंने क्या अच्छी चीज की बोलो जल्दी जल्दी, रुको राइट हैंड पहले, अब सब आप यही देने वाले, आप लेट हो गए, यस राइट हैंड इन्होंने पहले डाले, पहले कौन सा हैंड डालना चाहिए, राइट, सिर्फ बॉयज को कि गर्ल्स को भी, गर्ल्स को भी, बॉयज को या गर्ल्स को भी, वेरी गुड, बड़ों को भी छोटों को भी, बड़ों को भी छोटों को भी, वेरी गुड। अब इसके बाद बिस्मिल्लाह कहा और ये कहा, अब पहले आपने ओके अभी क्या दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह लजी कसानी हाजा वरजकनी मिन गैरी हौलिम मिन्नी वला कुवा, माशाल्लाह वेरी गुड। लिबास पहनने के बाद भी हम अल्लाह को याद करते हैं, जैसे खाना खाने के बाद भी याद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं क्यों, अल्लाह ने दिया हमारे हाथों में ताकत है हम जाके कर सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है कोई हरकत ना कुव्वत सिवाय अल्लाह की तरफ से, कोई हरकत या कुव्वत नहीं सिवाय अल्लाह की तरफ से। अब ये जो दुआ आपने पढ़ी बिल्कुल सही दुआ पढ़े, और हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे और आप सब भी पढ़ेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा, कसानी हाज़ा वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिम मिन्नी, वरज़क़नीहि हौलिम मिन्नी, वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिम मिन्नी, वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिम मिन्नी, वला कुव्वा वला कुव्वा, इसका ट्रांसलेशन कौन बताएगा, बिग स्टार, बिग स्टार यानी बिग, बिग क्या, ये बिग बाइक मिलने वाली है, कौन बताएगा, मतलब, कौन तजुमा बताएगा, मतलब अल्लाह की तरफ से हमें कपड़े मिले हैं ऐसे ही, आपने ट्राई किया
इसके लिए छोटा सा स्टार मिलेगा, इतना स्मॉल। ये लो। देखिए अभी दुआ हम लोग ट्रांसलेशन याद करेंगे। क्यों ट्रांसलेशन याद करें, कौन बताएगा? ट्रांसलेशन क्या सीखने की जरूरत है? क्योंकि मतलब दुआ भी याद होगी, मतलब याद करने से। लेकिन दुआ तो आपको पहले से याद है, फिर क्या? फिर दुआ अच्छे से समझ में आएगी। तो फिर दुआ अच्छे से याद होगी। तर्जुमा अगर याद करेंगे जी, आपको भी स्मॉल सा स्टार मिल जाएगा। यस, अगर तर्जुमा याद करेंगे तो है ना, तो फिर है ना हमें समझ आएगा, समझ में आएगा, समझ में हमेशा पढ़ेंगे। समझ में आएगा तो याद रहेगा, हमेशा पढ़ेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड आंसर, वेरी गुड। लेकिन और कौन बताएगा क्या वजह? हाँ, अगर ना तर्जुमा याद करेंगे ना, तर्जुमा याद करेंगे तो अगर दुआ याद रहेगी, तर्जुमा नहीं याद रहेगा तो क्या फायदा है? दुआ नहीं, नहीं, नहीं फायदा तो है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तर्जुमा याद करेंगे तो दिल से पढ़ पाएंगे, दिल से नहीं तो सुबान पढ़ लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी, दिल कैसे कहेगा? मालूम होगा तो दिल कहेगा ना, मतलब क्या है, मतलब पता होगा तो दिल से कह सकते हैं ना। हाँ, ओके। अभी हम दुआ का तर्जुमा याद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है सारी तारीफ अल्लाह की जिसने मुझे ये पहनाया। हाँ, वरज़क़नी ही, और मुझे ये रिस्क दिया। वरज़क़नी ही मिन ग़ैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वा, मेरी तरफ से कोई हरकत या कुव्वत के बगैर, कोई हरकत, हरकत यानी मूवमेंट या कुव्वत के बगैर, मतलब हकीकत में ना कोई कुव्वत और ताकत नहीं सिवाय अल्लाह की तरफ से। आप चल रहे हो, फिर रहे हो, फिर रहे हो, फिर रहे हो, कौन ताकत दिया? अल्लाह, अल्लाह। हाँ, अल्लाह ताकत, अल्लाह ताकत देते हैं, अल्लाह ताला ताकत देते हैं तो हम कर पाते हैं। यस और नो? यस। तो अभी देखिए, अब आगे शूज। अच्छा ये बताओ, शूज से पहले पैंट, पैंट तो आप पहने हुए हो, लेकिन इतना बताओ पैंट पहनते हैं तो कौन सा लेग पहले डालेंगे? राइट, राइट लेग फर्स्ट। और इसमें मिस्टेक क्या करते हैं लोग? लेग पहले, मिस्टेक है वो, राइट लेग पहले होना चाहिए। हम लोग जो अच्छी चीजें हैं सब राइट से स्टार्ट करते हैं। राइट से हम लोग लिखते हैं, पहनते हैं, राइट से हम लोग लिखते हैं। कौन बताएगा? लिखते हैं, राइट से हम लोग पेन पहनते हैं। और बताओ, कुरान पढ़ते हैं, राइट हैंड से। हाँ, और बताओ, राइट हैंड से अध्याय करते, अत्याय भी राइट हैंड, वेरी गुड, माशाल्लाह। और बताओ, और राइट लेग से हम लोग शूज पहनते हैं, राइट लेग से शूज। और बोलो, राइट हैंड से ज़कात। कौन बताएगा, जल्दी बताओ? राइट हैंड से ज़कात देते हैं, हम लोग चैरिटी देते हैं। ओके, और बताओ राइट हैंड से क्या? और राइट हैंड से, राइट लेग से घर में जाते हैं, राइट लेग से घर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अच्छा लेफ्ट लेग से टॉयलेट में जाते हैं, राइट लेग से टॉयलेट से बाहर निकलते हैं। ये जो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये क्या है मालूम है? ये सिस्टम है। आपको पता है कंप्यूटर्स में, आपको पता है कंप्यूटर्स शट डाउन करना है कैसे करते हैं? अरे हम लोग विंडोज, अरे कौन बताएगा, हम लोग कंप्यूटर में शट डाउन कैसे करते हैं? हम लोग कौन सा बटन? वो कंप्यूटर शट डाउन बटन, क्लोज बटन। कहाँ है क्लोज बटन, कहाँ है शट डाउन बटन? यहाँ पे कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट वो दबाते हैं। हाँ, तो शट डाउन पे दबाते हैं। हाँ, और फिर शट डाउन में जाके शट डाउन दबाते हैं। हाँ, फिर कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करना है तो पहले स्विच ऑफ करेंगे कि पहले ये करेंगे? पहले करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे कि पहले शट डाउन करेंगे? पहले शट डाउन करेंगे, पहले शट डाउन करेंगे फिर स्विच ऑफ करेंगे। यस और नो? यस। पहले स्विच ऑफ करेंगे फिर शट डाउन करेंगे? नो, नो। कंप्यूटर खराब होता है ऐसे, है ना? हाँ। अब वो सिस्टम है, सिस्टम किसने बनाया? सिस्टम कंप्यूटर वाले ने बनाया। हाँ। उन्होंने कहा ऐसे करना शट डाउन, ऐसे मत करो स्विच ऑफ। यस और नो? यस। सिस्टम होता है। हम लोगों को किसने बनाया? अल्लाह ने, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह को पता है क्या हमारे लिए अच्छा है, अल्लाह ताला को पता है हमारे लिए क्या बुरा है। और हम लोग कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाएंगे तो पता है आपको अमाल दिए जाएंगे, बुक ऑफ डीड्स, बुक ऑफ डीड्स दिए जाएंगे। तो कौन से हैंड में दिए जाएंगे मालूम है? राइट, राइट। अच्छे डीड ज्यादा है तो राइट हैंड में, और बुरे डीड ज्यादा है तो लेफ्ट हैंड में। आप लोगों को कौन से हैंड में चाहिए जल्दी बताओ? कौन से हैंड में चाहिए? राइट हैंड में चाहिए। इसीलिए राइट से शुरू करते हैं हम लोग अच्छे अच्छे काम, क्योंकि हमें राइट हैंड में चाहिए। यस। अभी शूज, शूज कैसे पहनोगे? अरे शूज पहने हुए तो चलो उतार के बताओ,
इधर बैठो बैठो इधर बैठे को पहले हम लोग लेफ्ट उतारेंगे। नहीं नहीं उनको उतारने दो जैसे भी करते हो। कैसे उतार रहे हो? ओके अब पहनो। पहले कौन सा लेग उतारना चाहिए? राइट उतारने में लेफ्ट पहनने में राइट। ओके अभी पहन लिया आपने। आपने पहले कौन सा पहने? राइट। और उतारने में कौन सा पहले उतारेंगे? लेफ्ट। अभी शर्ट उतारेंगे आप? हाँ चलो तो पहले लेफ्ट हैंड उतारेंगे। देखने दो कैसे उतारते हैं। उधर खड़े हो जाओ। यस हम लोग सब देख रहे हैं। कौन सा हैंड कलर निकाले? ये हैबिट परफेक्ट होनी चाहिए। राइट निकाल दिए। पहले कौन सा निकालना चाहिए? लेफ्ट। लेफ्ट पहले लेफ्ट निकालना चाहिए। तो इसी वजह से क्योंकि मिस्टेक हो गई आपको छोटा सा स्टार मिलेगा नहीं तो बड़ा मिलने वाला था। बस बैठ जाओ चेयर पे बैठ जाओ। उम्मीद करता हूं आप सब भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जिंदगी है जिंदगी में प्रैक्टिस करना है हर अमल। और क्या होता है मालूम है? हैबिट। क्या होता है? हैबिट। अगर हैबिट सही है ना तो नींद में भी शर्ट पहन रहे हो तो कैसा पहनेंगे? राइट। और नींद में भी निकाल रहे हो पहले क्या निकालेंगे? लेफ्ट निकालेंगे फिर राइट निकालेंगे। Yes? Yes. अगर हैबिट बन गई तो हैबिट सही हो जाएगी। हैबिट अच्छी भी होती है गलत हैबिट भी होती है सही हैबिट भी होती है। अच्छी आदतें सीखेंगे तो अच्छा अमल मिलेंगे। बुरी आदतें सीखेंगे तो बुरा अमल मिलेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अच्छे अच्छे काम करके अपने सीधे हाथ में अपने अमल को पाने के अल्लाह ताला हम सबको ये मौका सआदत और तौफीक दे दे। अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक दे अच्छी आदतें बनाने की तौफीक दे बुरी आदतों से बचने की तौफीक दे अल्लाह ताला हम सबको। आप सब भी हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह सीखते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। फिर देखिए अगले एपिसोड साथ में जुड़े रहिए और दूसरों को भी बताते रहिए हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में। फिर मिलेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर वा आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।